नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा में जमकर गर्जा। योगी बाबा का बुलडोजर, करोड़ों रुपए की जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। प्राधिकरण की टीम ने 1.60 हजार वर्ग मीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया है। तुशाना गाँव में मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपये के करीब आंकी गई है, जिस पर भूमाफिया अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे थे। दैनिक जागरण अवैध निर्माण पर लगातार खबर प्रकाशित कर रहा था। प्राधिकरण इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर रहा है। आपको बताते चले, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तुशाना और बिसर गांव में अवैध निर्माण को हटाया। दोनों गांव में प्राधिकरण की टीम ने 1.60 हजार वर्ग मीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। तुशाना गांव में मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिस पर भूमाफिया अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे थे। आपको बताते चले, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के OSD हिमांशु वर्मा ने बताया कि तुशाना गाँव में अधिग्रहित और कब्जा प्राप्त जमीन के साथ कॉलोनाइजर बिसरक गांव के डूब क्षेत्र की जमीन पर अवैध कॉलोनी काट रहे थे, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। OSD हिमांशु वर्मा ने बताया कि गांव तुशाना के खसरा नंबर 987, 988 और 989 की जमीन प्राधिकरण की अधिकृत व कब्जा प्राप्त जमीन है। कॉलोनाइजर इस जमीन पर कॉलोनी काट रहे थे। शनिवार को परियोजना विभाग के वर्क सर्किल 3 के प्रभारी मनोज सचान, प्रबंधक प्रशांत समाधिया, सहायक प्रबंधक गौरव बघेल व सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी की टीम प्राधिकरण की सुरक्षा कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने करीब 50 हजार वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है। 5 JCB और 2 डंपर की मदद से कार्रवाई की गई। आपको बताते चले, इसी तरह बिसरक के डूब क्षेत्र में खसरा नंबर 1, 2 व 3 की लगभग 1.10 लाख वर्ग मीटर जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए प्राधिकरण ने कब्जे में ले लिया है। ये प्राधिकरण की अधिग्रहित कब्जा प्राप्त जमीन है। OSD ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र में जमीन कब्जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने परियोजना विभाग के सभी वर्क सर्किल प्रभारियों को अपने क्षेत्र में जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी नजर रखने और अतिक्रमण की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण की SCO अनुपूर्णा गर्ग ने कहा कि अवैध रूप से जमीन कब्जा कर काटी जा रही कॉलोनी में अपनी गाड़ी कमाई ना फंसाए। यदि किसी कॉलोनाइजर से अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है तो रजिस्ट्री का प्रपत्र लेकर पुलिस से शिकायत करें, साथ ही इसकी एक कॉपी प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराएं, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस, न्यू भारत।